स्टूडेंट्स तो वेलकम बैक, फिर से आपका स्वागत और एक कुछ नए लेक्चर के साथ में, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। और वो आपका टॉपिक है, उसका नाम है प्रेशर। देखो, प्रेशर के बारे में आपको पढ़ाता हूँ और प्रेशर में बहुत सारे स्टूडेंट को तकलीफ होता है इस प्रेशर को समझने में। बट डोंट वरी, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं, मैं हूँ यहाँ पे तकलीफ को दूर करने के लिए। देखो, मैं मान लेता हूँ कि 8 में पढ़ते हो और आपको प्रेशर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं वहां से आपको बताता हूँ कि प्रेशर क्या होगा, इसका डिफिनेशन क्या होगा, इसका इस यूनिट क्या होगा और एक क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे इसी प्रेशर के ऊपर में। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू मी, समझ गए? देखिए, ये आखिरकार प्रेशर क्या होता है? कोई कोई सोचता है कि प्रेशर जो है वो फोर्स ही है क्या, या फिर फोर्स से कंपेयर करें क्या? देखिए, तो मैं बताता हूं आपको, से लिखेंगे कि इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, एन ऑन ऑब्जेक्ट। देखिए, कोई पूछता है आपसे कि सिंपली कि बताओ जी, हमारा ये प्रेशर आखिरकार क्या है, तो आप उससे कहिएगा कि यह एक फोर्स है जो किसी भी बॉडी के ऊपर लग रहा है। जैसे सपोज दैट मैं क्या करता हूं, ये मार्कर को इस प्रकार से पुश करता हूं, धक्का देने का प्रयास करता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, तो प्रेशर क्या होगा? तो प्रेशर, इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, फोर्स ही है प्रेशर। लिसन टू, ज्यादा नहीं सोचिए, अभी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो मेरी बातों को ही ध्यान देगा, हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। बट लिसन टू मी, देखो, इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, यह एक फोर्स है जो एक्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। जैसे यह फोर्स है वो एक्ट कर रहा है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो सर ये फोर्स हुआ ना, सर पुश कर रहे हैं, पुश और पुल तो फोर्स जानते हैं, तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। देन तब क्या होगा, बोलिए, उसी समय क्या होगा? देन प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड, यदि आप किसी भी बॉडी के ऊपर में क्या करते हैं, प्रेशर को, फोर्स को अप्लाई करते हैं, फोर्स को लगाते हैं कुछ इस प्रकार से, तब कहेंगे कि प्रेशर क्रिएट होगा। मैं सिर्फ एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट दियो, मैंने प्रेशर का डिफिनेशन नहीं बताया, समझे? जी हाँ, हैव यू गॉट इट? देखो, अब प्रेशर का जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया। अब प्रेशर को बहुत अच्छे से समझने के लिए मेरे बैकग्राउंड में कुछ फिगर्स हैं, इन फिगर के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कि प्रेशर का क्या अर्थ हुआ और आखिरकार प्रेशर जो है वो किस प्रकार से क्रिएट हो रहा है, समझ गए? तो लेट अस सी। देखो, सबसे पहले इस फिगर को समझेंगे, फिर उसके बाद इस फिगर को समझेंगे। आइए पहले इस फिगर को समझा जाए, लेट अस सी। देखो, मेरे पास क्या है, मेरे पास एक लकड़ी का एक ब्लॉक है, वुड है कुछ रेक्टेंगुलर शेप में, मैं उसको ऊपर थंब से प्रेस करता हूं, थंब से इस प्रकार से प्रेसिंग करूंगा, तो एक बात बताओ जी, ये कभी भी लकड़ी दबेगा अंगूठे से? दबेगा नहीं ना, दबेगा नहीं, दबेगा क्यों? क्योंकि देखो स्टूडेंट, ये लकड़ी है और कुछ इस प्रकार से थंब को, उंगली को मोड़ करके लगा रहे हैं, तो जो एरिया है वो ज्यादा टच में है इस लकड़ी के वुड से, ज्यादा टच में, देखो ना व्हाइट मार्कर को वुड के जैसा, तो ज्यादा टच में है कि नहीं है, ज्यादा टच में है ना इस लकड़ी के वुड से हमारा थंब, तो इसीलिए ये थंब अंदर नहीं जाएगा, तो लार्ज एरिया है। लार्ज एरिया क्या हुआ सर? तो लार्ज एरिया के ऊपर में फोर्स लगाया जा रहा है, तो हमारा जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। बात को समझे नहीं समझे? यहां पे मैंने बोला कि फोर्स आप लगा रहे हैं लेकिन ज्यादा एरिया पर लगा रहे हैं, ऐसे नहीं लगा, बल्कि यहां पर लगा रहे हैं ऐसे, तो इस केस में क्या हो रहा है कि पूरा ज्यादा एरिया है, तो ज्यादा एरिया है, लार्ज एरिया पर लग रहा है फोर्स, इसलिए स्मॉल प्रेशर होगा। नहीं समझे हो? फिर से पीछे स्किप कर करके वीडियो को आगे नहीं बढ़ना, बल्कि पीछे ही आ जाना है, समझे? और फिर से सुन सकते हो कि मैं क्या बोला, तो नहीं गए सर, लेकिन मैं दूसरा केस लेता हूं स्टूडेंट, उसमें मैं क्या कर रहा हूं, लकड़ी सेम ही है जी, फिंगर भी सेम ही है, फोर्स भी इसी अंगूठे से लगाना है, देखो ना कुछ इस प्रकार से, ऐसे लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे, इसी अंगूठे से लगाना है। बट ये इस केस में क्या किया हूं, इस केस में डायरेक्टली मैं
वुड को टच कर रहा हूं अपने अपने अंगूठे से, बट इस केस में एक किल लिया है, एक काटी लिया है, उस काटी के ऊपर मैं प्रेशर को लगा रहा हूं। एक बात बताओ स्टूडेंट, ये जो हमारा काटी है यहां का जो एरिया है बहुत एकदम इतना सा एरिया क्या हो रहा है उस वुड से टच में है नहीं? हाँ सर, तो लार्ज एरिया यहां पर नहीं है बल्कि स्मॉल एरिया है, तो यहां पर लार्ज फोर्स हो जाएगा, लार्ज प्रेशर, समझे? स्मॉल एरिया के ऊपर में फोर्स लगाया जा रहा है तो जो हमारा प्रेशर हो जाएगा वो लार्ज हो जाएगा। किसके मुकाबले? तो इसके मुकाबले। अब कोई लड़का हमको से ये पूछना चाहता होगा कि आपने तो ये बता दिया लेकिन सर मुझे ये समझाइए सर कि ज्यादा एरिया के ऊपर में प्रेशर फोर्स लगा रहा है तो इसके समय प्रेशर कम होगा क्यों? और जब हम इस कम एरिया है सेम फोर्स का अमाउंट सेम है स्टूडेंट, बट जो एरिया कांटेक्ट में है इस ऑब्जेक्ट से जो ये हमारा किल है वो बहुत कम है स्मॉल एरिया, तो ज्यादा प्रेशर होगा इसके मुकाबले। कैसे? यही जानना चाहते हो ना? तो इस कैसे का उत्तर देने के लिए थोड़ा सा आपको और जानना पड़ेगा, तो लेट अस सी। अब देखो होता यह है कि जो ये टच में है ये काटी इस वुड के मुकाबले में वो थोड़ा सा है, तो जब ये थोड़ा सा है तो इसके ऊपर फोर्स जब तुम लगा रहे हो तो इसका जो फोर्स का अमाउंट है प्रेशराइज है वो बढ़ जाएगा ना? क्यों? क्योंकि सारा फोर्स इतना सा एरिया के ऊपर में लग रहा है ना, बात को समझिए। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, जो हमारा फोर्स है वो बंटवारा हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और वो क्या है यहां भी लग रहा है, वो फोर्स जो है वो यहां से लेकर के यहां तक लग रहा है, तो हमारा जो एनर्जी हुआ हमारा जो ताकत हुआ वो बट गया कि नहीं बट गया यहां से लेकर के यहां तक लग। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इतना सा एरिया के ऊपर में फोर्स लगा था, पॉइंट साइज एरिया में फोर्स लगा है लेकिन अमाउंट सेम है, तो यहां पर ज्यादा प्रेशर दबाव बनेगा ना स्टूडेंट, बात को पकड़ना सीखिए, समझिए, क्योंकि अपना भी दिमाग लगाया करो। हैव यू गॉट इट? चलो ठीक है, आई होप कि आपने जो बोला वो समझ रहे हो। हाँ आप समझ गए होंगे, फिर भी मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो समझाया बिना तो सल्ली भी नहीं आने वाला, इसीलिए मैं आपसे फिर से कहता हूं, जैसे क्या करो कि एक जगह पर मुक्का मार रहे हो, ठीक है, इस प्रकार से मुक्का मार रहे हो, लेकिन कोई लड़का आए उधर से इस प्रकार से मारेगा, सेम तरीके से ही मारेगा, लेकिन मुक्का मारता है जी तो थोड़ा सा देखो तो कम एरिया है कि नहीं है मुक्का मारने के केस में, तुम्हारा दाने करेंगे तो तुम अच्छे से देख पाएगा, इधर शायद कम देख पा रहा होगा, तो आप लोगों को तो क्या है? एनीहाउ, तो देखो तो एरिया कम है ना इसका, तो जो ये मुक्का टच होगा तुम्हारे फेस पे ही चाहे जो भी हो, एनीहाउ मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं बता रहा हूं, तो क्या होगा कम एरिया पर टच होगा किसके मुकाबले, तो इसके मुकाबले जब ऐसा मैं पुश करूंगा तो, समझ गया ना? तो कम एरिया के ऊपर पूरा फोर्स जाकर उस पे अटैच हो रहा है, इसीलिए जो है वो प्रेशर बढ़ गया इस केस में, समझे? हाँ आप समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल लेता हूं उससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो तुम खाना बनाते हो जी, तब प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हो, एक काम करो उसमें चावल को बॉयल करने के लिए छोड़ दो और आप उस पर सीटी नहीं बंद कीजिए और उसका ढक्कन भी नहीं बंद कीजिए, बस यहीं उबाल दीजिए तो सारा वेपर जो है वो उड़ करके निकल जाएगा और कोई तरीके का साउंड नहीं, बट आप जब ढक्कन को बंद करके सीटी को बंद करते हैं तो ज्यादा फोर्स अंदर से लगना स्टार्ट हो जाता है और वो अंततः सीटी जो है वो उठ जाती है और साउंड करता है, फिर वेपर जो है वो बाहर निकल जाता है। तो यहां भी एग्जांपल्स देखा, इतना सारा एग्जांपल्स है तो स्पष्ट हो गया होगा इस प्रेशर के बारे में। चलो अच्छी बात सर, मैं तो पहले ही समझ गया था, इतना सारा एग्जांपल्स लेकर के समझाने का क्या फायदा। हाँ पता है, बट आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो क्लियर नहीं कॉन्सेप्ट को करते हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूं, समझे ना? अब समझ गए। अब देखो ये होता क्या है कि जो हमारा प्रेशर है उसको कैसे आपने डिस्टिंग्विश किया, तो एरिया के ऊपर, तो यही इस प्रेशर का डिफिनेशन मैं बना रहा हूं। देखो क्या हो जाएगा, लिखेंगे
द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक बात बताओ स्टूडेंट, जो हमारा फोर्स लगेगा वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ही ना लगेगा, तो एक यूनिट एरिया के ऊपर में जो हमारा फोर्स लग रहा है यही हमारा प्रेशर होगा। इस कॉल्ड, बोलिए क्या होगा इसको, प्रेशर, उसी को हम लोग क्या बोल दिए, प्रेशर बोल दिए, प्रेशर। समझे? चलिए अच्छी बात है। अब देखो इस प्रेशर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला आपको से बताता हूं। तो फॉर्मूलाज हो जाएगा, इसीलिए प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला हुआ प्रेशर निकालने का। अब इसी फॉर्मूलाज का ए सेवन की मैं बातें करूं तो फोर्स का हमारा ए सेवन क्या होता है, बोलिए लिखेंगे, सिंस द एस आई यूनिट ऑफ फोर्स जो होता है वो न्यूटन होता है, जिसको एन से डिनोट करते हैं, समझा, एंड यानी कि और क्या, जो हमारा एरिया का होता है वो क्या होता है, ऐसे लिखो इसको, द एस आई यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर दैट मीन्स मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर ऐसे बोलेंगे लेकिन जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे स्क्वायर मीटर, समझे, नहीं जानते थे तो अभी से भी जान लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से क्या हो जाएगा, बोलिए, सो प्रेशर इज इक्वल टू, बोलो फोर्स का न्यूटन एन, और ये हमारा एरिया का क्या हुआ, मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को ऐसे बोल सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर ये बराबर करके लिख सकते हैं, या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर इनवर्स टू, लिखेंगे दस the SI unit of pressure is newton per meter square। तो कोई आपसे पूछता है कि प्रेशर का ये यूनिट क्या होगा, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, समझे, चलिए अच्छी बात। अब लेकिन सर प्रेशर का तो जानते हैं पास्कल, तो आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्यों बोल रहे हैं, तो देखिए मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही बोल दिया हूं, पास्कल का नाम दे दिया हूं, समझे ना, तो इसीलिए हो जाएगा, लिखेंगे सिंस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो कॉल्ड पास्कल बोलते हैं उसको, विच इज डिनोटेड एस पी ए, जिसको पी ए पास्कल को पी और स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, इसीलिए प्रेशर का इस यूनिट पास्कल नहीं हो जाएगा, लिखेंगे हेंस हेंस एस आई यूनिट ऑफ किसका, बोलो, तो प्रेशर इज पास्कल, पास्कल हो जाएगा प्रेशर का यूनिट, और पास्कल को पी ए से डिनोट करते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा, समझा ना, चलो अच्छी बात है। इतनी सारी बातों को लिखेगा, फिर कुछ क्वेश्चंस वगैरह एक सोल्व करते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इसे मेंशन कीजिए आप लोग, समझा ना, चलो इसे मेंशन कर लिए, मैं मेटा इसे इरेज जरा सका दूं,
नीचे तक लिख लेना चाहिए। अब जो आपको कुछ बातें बताने वाला है, जैसे वन पास्कल बराबर, तो उन्हीं सारी चीजों को मैं डिस्कस करता हूं। इसको इरेज कर लेता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो देखिए क्या हो जाएगा। जैसे वन पास्कल इज इक्वल टू, इसका क्या लिखे थे जी, तो ये हो जाएंगे वन न्यूटन स्क्वायर मीटर, यही हो जाएगा वन पास्कल बराबर। इसीलिए वन पी ए इज इक्वल टू वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, समझा। तो इसको भी लिख लेगा, लेकिन कहां से, तो इसके नीचे से लिखेगा जो मैं ये लिखा रहा हूं, क्लियर होता है। अब देखो जो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में मदद करेगा, जो एक चीज बता रहा हूं वो ये है स्टूडेंट, कि वन किलो पास्कल, वन किलो पास्कल इज इक्वल टू 1000 पास्कल, 1 किलो पास्कल बराबर 1000 पास्कल होता है, इसीलिए 1 KPa, आई मीन टू से दैट किलो पास्कल इज इक्वल टू 1000 PA। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, और इसे भी देखिए ये जो है वो आपका क्या क्लियर हो रहा। तो आपका न्यूमेरिकल्स पूछेगा बट एक नंबर में देगा, जस्ट लाइक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाता है, इससे ये भी कभी पूछता है, यहां पे लिख देगा 1 KPa, 1 KPa का अर्थ हुआ किलो पास्कल, समझा ना। तो इतनी सारी जानकारी होगी, ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आगे बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं अपने लाइफ से रिलेटेड, जो प्रेशर का इस्तेमाल होता है हमारे दैनिक जीवन, समझे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे मेंशन कीजिए अगर आप नहीं लिखेंगे। तो देखो एक क्वेश्चन बनाया जाए, लिखेंगे व्हेन ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया, जिसका एरिया क्या है, तो 2 मीटर स्क्वायर, तो क्या पूछ रहा है, तो कैलकुलेट इट्स प्रेशर। तो उसका जो दबाव है वो प्रेशर है वो क्या होंगे, समझे ना। यही आपका प्रश्न है और बहुत ही इजी है, कुछ खास नहीं और ना ही बहुत ज्यादा टफ है, इसीलिए डोंट वरी। चलो इसको सोल्यूशन करो। सबसे पहले सोल्यूशन करने के लिए आपको गिवन में लिखना पड़ेगा कि दिया हुआ क्या है। तो कोई इलाका बोलेगा कि दिया हुआ क्या है, चलिए देखिए सोल्यूशन करता हूं मैं। तो गिवन में क्या है स्टूडेंट, आपके पास क्या क्या दिया हुआ है जी, तो फोर्स दिया हुआ, फोर्स यानी कि एफ इज इक्वल टू 100 न्यूटन, और आपके पास क्या दिया हुआ, तो एरिया दिया हुआ यानी कि ए इज इक्वल टू कितना है, तो 2 मीटर स्क्वायर। निकालना क्या है, प्रेशर निकालना है, दैट मींस पी इज इक्वल टू व्हाट, क्या यही प्रश्न है। हाँ सर यही प्रश्न, तो फॉर्मूला भी बताया है आपको, पढ़ा है ना प्रेशर वाला हुआ, तो बोलिए ना, लिखेंगे सिंस प्रेशर इज इक्वल टू क्या बताया है, फोर्स अपॉन में एरिया, इसीलिए क्या हो जाएगा, प्रेशर को पी से डिनोट करते हैं, तो फोर्स हमारा जो है वो 100 न्यूटन अपॉन में 2, समझ गए। तो ये हाउ मेनी टर्म्स दिस विल बी कैंसिल आउट, 50 टर्म्स, यानी कि 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 50 पास्कल, तो योर फाइनल आंसर विल बी 50 पास्कल, 50 पास्कल आपका आंसर होगा। इसे आप सॉल्यूशन कीजिए, समझे।
प्रेशर के बारे में इतनी सारी बातें को आपको जानना था जो मैंने बताया, इसे लिखिएगा अच्छे से। हम नोट में जो कुछ भी लिखाने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जो नोट में भी बताने वाला हूँ आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हुआ, और इसी के आधार पे बहुत सारे जो हमारे लैब से रिलेटेड बातें हैं वो करने वाला हूँ। बट उससे पहले ये जानोगे तो उसे समझना बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी के आधार पर है ही, तो आसान क्यों नहीं हो जाएगा। तो देखिए वो बातें क्या है, लिखेंगे कि द प्रेशर, जो भी हमारा प्रेशर क्रिएट हुआ है वो डिपेंड्स करता है, क्या करता है जी, तो डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स, अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। कुछ निम्नलिखित फैक्टर्स है जिसके ऊपर हमारा जो प्रेशर है वो क्या करता है, डिपेंड करता है। जैसे तो हमारा फोर्स का हो गया जी, यानी कि वो डिपेंड कर रहा है प्रेशर कि कितना ज्यादा फोर्स लगा, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा। दूसरा है हमारा एरिया के ऊपर, एरिया ऑन विच फोर्स एक्ट्स, समझे। तो ये बात ऐसे लिखा हूं, पहला जो फोर्स पर डिपेंड करता है, और दूसरा एक लाइन में बोल सकते हो कि एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, कौन हमारा फोर्स। अब प्रेशर जो है फोर्स और एरिया पर कैसे डिपेंड करता है, अगर आप में से कोई स्टूडेंट का प्रश्न होगा तो मैं उसको उत्तर देते हुए बताना चाहता हूं। हम लोग क्या जानते हैं जी, बोलो क्या जानते हैं, प्रेशर अपॉन में, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन बोलिए एरिया होता है। अभी अभी पढ़े हो नहीं पढ़ो, अगर एरिया को बढ़ाओगे तो फोर्स जो है वो हमारा घटेगा। क्यों? क्योंकि जो प्रेशर है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनडायरेक्टली, तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसका मतलब है कि ये वो बढ़ेगा तो दूसर का घटेगा, दूसर का बढ़ेगा तो पहला का घटेगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही अर्थ होता है ना। तब तो देखो बच्चे लोग, इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको कुछ लिखाता हूं। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर एरिया बढ़ गया तो प्रेशर लेस होगा, एरिया मोर है तो प्रेशर इज लेस, समझे। और अगर एरिया लेस है, कम है, इसको घटाए हैं तो प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा, एरिया कम करेंगे डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन अगर मैं इस एरिया को बढ़ाता हूं तो प्रेशर घटेगा, अगर एरिया कम करता हूं तो प्रेशर हमारा बढ़ेगा, समझे। चलिए अच्छी बात। अब देखो इसी चीज को डिनोट करने के लिए इसको इस तरह लिखो, अगर अगर इसको घटाया मैं एरिया को तो ये क्या करेगा, बढ़ेगा। अब कोई लड़का को कंफ्यूजन ना हो उसके लिए मैं बता देता हूं कि ये वाला जो है वो इसके साथ रिलेटेड है, समझे ना। तो ये जो बच गया वो इसके साथ रिलेटेड है, यानी कि एरिया हमारा घटा रहे हैं तो जो हमारा प्रेशर है वो बढ़ रहा है, और अगर एरिया बढ़ा रहे हैं तो किससे रिलेटेड है, इससे, यानी कि प्रेशर हमारा घट रहा है। तो मैंने बहुत अच्छे से यहां से सिंबॉलिक रूप से ही बता दिया ताकि कोई पहली बार भी देख रहा हो उसे भी समझने में कोई कष्ट ना हो। तो अपने यहां से समझा, तो इतनी सारी एक चीज जो मैंने अभी भी बोला है उसी को मैं आपको लिखा करके बताता हूं, समझे ना। तो लिखूंगा कि व्हेन एरिया इज मोर देन, अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर लो, देन प्रेशर इज लो, लो कहिए या फिर लेस कहिए, यही होगा। लिखेंगे बट, लेकिन क्या हो जाएगा कि व्हेन एरिया इज लेस, लेकिन अगर कम जगह है देन प्रेशर इज हाई, ज्यादा होगा या फिर मोर कहेंगे। हैव यू गॉट इट, गॉट। एरिया इज लेस प्रेशर इज मोर, एरिया इज मोर देन प्रेशर इज लेस। तो फिर
इसे ख्याल रखिएगा और बाकी आप सब जानते ही हैं। अब जब ये कंप्लीट हो गया, अच्छी बात है ये कंप्लीट हो गया, तो इसे मेंशन करो ताकि मैं कुछ दूसरा आपको बता सकूं नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव कर सकता हूं। क्लियर होता है? वी हैव सीन कुछ नोट में जो बातें बताया हूं उसको अगर आप याद रखते हैं तो ये जो सारा टॉपिक है ये टॉपिक अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगा और आपको सोचने की जरूरत नहीं। बस एक बात याद रखो जो समझा रहा हूं वो क्या है सर, तो वो ये है कि मैंने अभी भी बोला कि इफ एरिया इज मोर देन प्रेशर इज लेस एंड इफ एरिया इज लेस देन प्रेशर इज मोर, और इसी कॉन्सेप्ट को मैंने समझाया फॉर्मूला से और नोट में भी लिखाया है, तो उसे समझ गए हो तो इन सारी बातों क्लियर हो जाएगा। और मैं इसको सिर्फ आपको बोल करके एक्सप्लेन कर देता हूं, इसको लिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सारा का आंसर सेम ही होगा भाई, एरिया इज मोर देन प्रेशर इज लेस, ऐसे ही लेस मोर करते रहेगा, कहानी खत्म हो गया। नहीं, अभी मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करूं। देखो क्या है ये, तो एक्सप्लेनेशन ऑफ सम एवरीडे ऑब्जर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर, ये हमारा टॉपिक हुआ, ये टॉपिक है। यानी कि कुछ एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं वेरियस टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो घटना हमारे जिंदगी में घटता है उसी से रिलेटेड, जो रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर, वो प्रेशर से रिलेटेड है, इसीलिए उन सारी चीजों को डिस्कशन करता हूं। तो मैंने कुछ यहां पर लिखा रखा, तो देखिए क्या लिखे हैं कि सम एवरीडे ऑब्जर्वेशंस ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर आर एज फॉलोस। तो जो भी हमारे जीवन में, प्रत्येक जीवन में घटनाएं घटती है प्रेशर के आधार पर, वो कुछ निम्नलिखित लिखा हुआ है, टोटल 7 वो लिखे हैं, बहुत सारे होते हैं बट मैं यहां पर फिलहाल 7 ही लिखा हूं, ये जान गए बाकी सब जान गए। डायलॉग है, एक मैं सरदार एक तुम सरदार बाकी सब बेकार, जस्ट लाइक दैट, कुछ ऐसे ही, इतना जान गया इनफ हो गया। देखिए तो क्या है पहला प्रश्न कि भाई स्कूल बैग हैव बैड स्ट्रैप्स, यानी कि जो हमारा स्कूल बैग होता है उसका जो शोल्डर होता है उसका जो स्ट्रैप्स पट्टा होता है हमारे कंधे पर वो चौड़ा क्यों बनाया जाता है, यहां से लेकर कुछ इस प्रकार से चौड़ा रहता है ना, चौड़ा पीछे तक लगे, हाँ इधर भी रहता है कुछ इस प्रकार से चौड़ा रहता है स्टूडेंट, बट क्यों भाई ऐसा, इसलिए कि चौड़ा है जी, यानी कि उस पट्टे का जगह बढ़ गया ना, ये ऑब्जेक्ट है अभी एक प्रकार का, और जो पट्टा रखा रहा है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर तो ज्यादा एरिया को कवर कर रहा है, तो ज्यादा एरिया मोर है तो प्रेशर लेस होगा, तो इसीलिए पट्टा चौड़ा रहता है स्ट्रिप्स बैग का, ताकि जो हमारा शोल्डर है उस शोल्डर के ऊपर कम भार पड़े, कम प्रेशर हो, कम प्रेशर लगे, ताकि हम लोग आराम से एकदम 5 किलो 10 किलो बैग लेकर के पढ़ा के तो न लिखे के बस ऐसे लेकर चल दिया एकदम मस्ती से, फिर छुट्टी हुआ तो चला है ना, बस ऐसे ही। एनीवेज तो क्लियर होता है ये आंसर, ये फर्स्ट का मैंने बता दिया कि बाइड स्ट्रिप्स के पास जो है वो ठीक है एरिया है, इसीलिए प्रेशर लेस होगा, समझ गया, ये कंप्लीट हो। दूसरा है कि पोर्टर्स प्लेस ए थिक राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हेड, एक पोर्टर है जो अपने माथे के ऊपर चौड़ा सा कपड़ा रखता है, जैसे मुरट्ठा कैसे बांध लिया गोल चक्री की तरह ऊपर में रख लिया ऐसे बांध कर कुछ, ऑन देयर हेड अपने सर के ऊपर, व्हेन दे हैव टू कैरी हैवी लोड्स लाइक हैवी सूटकेस, कब जब वो भारी भरकम बोझ को अपने सर पे उठा रहा होता है, या फिर गांव देहात में देखा होगा क्या होता है कि जो भी लेबर होते हैं वो ब्रिक्स को ढोते हैं तो अपने सर के ऊपर इस प्रकार से गमछी को गोल नुरेट करके अपने सर पर रख लेता है और उसके ऊपर ब्रिक्स को ढोता है, या फिर पोर्टर्स का मतलब क्या हुआ, पोर्टर्स का मतलब होता है सामान ढोने वाला, स्टेशन पर या फिर गली कुची में मिल जाएगा सामान ढोने वाला, सामान को कैरी करने वाला, या फिर ऐसे लिख दीजिए सामान को ढोने वाला जो व्यक्ति होता है, या फिर सामान को कैरी करता है, जो कुछ पैसा दीजिएगा तो वो कैरी करेगा, स्टेशन पर रहता है कुली से समझ, जस्ट लाइक ए कुली का काम करता है, उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोर्टर बोलते हैं। अब तो क्लियर होता है, जो पोर्टर है वो अपने ऊपर बाइड बना लिया गमछी को गोल करके, ताकि जो एरिया है, अभी सपोज दैट मैं कुछ भी नहीं रखा हूं जी, अभी मेरे ऊपर कुछ नहीं है,
कोई तौलिया नहीं है। तो जब मैं सूटकेस को भारी भरकम सूटकेस को उठाऊंगा स्टूडेंट, तो जो हमारे माथे का जो एरिया है वो थोड़ा सा है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा एरिया को कवर करेगा वो सूटकेस, एरिया लेस है तो प्रेशर मोर है, यानी कि बहुत ज्यादा भारी लगेगा और एकदम चलने से एकदम हम चल नहीं पाएगा एकदम। लेकिन वही क्या करता है कि जब वो राउंड शेप बना करके तौलिया को अपने सर के ऊपर रखता है तो उसको ज्यादा एरिया मिला, वाइड एरिया मिला, तो आराम से सूटकेस को रखा, एरिया मोर है तो इस केस में प्रेशर जो है ऑफ करेगा, उस केस में प्रेशर जो है वो कम होगा ना स्टूडेंट। तो पता चल गया ना कि जो पुली है वो सामान कैरी करने वाला जो व्यक्ति है वो काहे अपने ऊपर तौलिया को क्लॉथ्स को रखता है, तो यही कारण है कि कम प्रेशर हो कम दबाव पड़े। हैव यू गॉट इट? चलो ठीक है, तो ये दिस इज कंप्लीटेड, सेकंड कंप्लीट। अब थर्ड की मैं बातें करता हूं, तो देखो थर्ड में क्या लिखा हुआ कि भाई ए शार्प नाइफ कट्स बेटर देन ए ब्लंट नाइफ। देखो ये ब्लंट क्या हुआ, ब्लंट का मतलब होता है भोथर, भोथर कह सकते हो, भोथर पढ़ने लिखने से भोथर तेज नहीं कर रहा हूं, मतलब कि जो धारी उसको मैं नहीं न कहते हो कि भोथरा गया है हमारा चाकू, यानी कि ब्लंट नाइफ है, ब्लंट का हिंदी हुआ, समझे ना। तो जो हमारा शार्प नाइफ हुआ एकदम नया नया मार्केट से खरीद के लाइएगा चाकू, एकदम पूरा उसका जो आगे का जो नुकीला भाग हुआ एकदम पूरा साइन हुआ एकदम पतला हुआ, जैसे ब्लेड वगैरह जी जिससे सेविंग वगैरह करते हैं तो उस ब्लेड में एकदम पूरा साइन शार्प रहता है, एक खींच मारो बना ऐसे तो एकदम पूरा नस काट जाएगा। नस काटने का क्या तरीका बता रहे हैं सर? मैं तो नहीं बता रहा हूं लेकिन आप सोच रहे हैं तो गलत भी नहीं सोच रहे हो, एनी हो तो वो उससे आसानी से कट जाएगा। लेकिन जब भोतर चाकू को उठाइएगा ब्लेड के लिए तो उससे कटना मुश्किल हो जाएगा, कठिनाई से कटेगा, कटेगा लेकिन कठिनाई से कटेगा, लेकिन तेज लगेगा तुरंत। क्यों? प्रश्न आता है क्यों? देखो जब आपने तेज ब्लेड लिया है एकदम पतला है चिकना है तो जो टचिंग का एरिया है जो सरफेस एरिया है वो लो है, इसीलिए क्या हो जाएगा प्रेशर इज मोर, एरिया लेस है प्रेशर मोर। लेकिन भोतर हो गया है कोई भी चाकू धारी तलवार तो उसका जो एरिया है वो नीचे का फाइन एरिया होता है वो नीचे का वो क्या होगा वो ज्यादा हो जाएगा, तो एरिया बढ़ गया इसीलिए प्रेशर इज लेस, क्योंकि एरिया इज मोर देन प्रेशर इज लेस। तो इसीलिए हमेशा तेज ब्लेड या फिर तेज धारी तलवार चाकू का ही इस्तेमाल करना चाहिए, भोतर का कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी कि उसका जो शार्प हो एजेस हो किनारा हो वो एकदम शार्प होना चाहिए। हैव यू गॉट इट? तो दिस इज कंप्लीटेड, क्वेश्चन थ्री कहिए चाहे जो कहिए ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई द टिप ऑफ नीडल इज शार्प, जो हमारा सुई देखे हो जी जो हमारा कपड़ा सीता टेलर वगैरह है सर, तो टेलर का सुई जो होता है वो आगे का जो नीडल होता है बहुत ज्यादा शार्प होता है। सोचने का प्रयास किया कि क्यों? अरे ऐसा इसलिए क्योंकि एक बात बताओ जी, जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, ये मार्कर को इस प्रकार से मारेंगे क्लॉथ में तो ना तो इधर रह रहा ना ऊपर जा रहा और पर नहीं होता, लेकिन इतना देर में सुई मारते पूरा ब्लड बाहर आ जाता, कपड़ा में तो छेद होने की दूर की बात है। एनी हाउ तो पता चल गया ना कि क्यों होता। हाँ ठीक है, लेकिन कुछ लॉजिकल उत्तर दीजिए, तो लॉजिकल यही हो जाएगा स्टूडेंट कि जब वो शार्प है उस नीडल का सुई है जो टेलर इस्तेमाल करता है तो उसका जो किनारा है आगे का टिप वो बहुत ज्यादा पतला है, थीन है, तो थीन है मतलब कि एरिया इज लेस देन प्रेशर इज मोर, कम एरिया है तो प्रेशर ज्यादा लगाएगा और आसानी से क्लॉथ्स में क्या हो जाएगा वो सुई आराम से चला जाएगा, समझ गया ना। लेकिन ये नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि ये जो मार्कर है वो देखो तो सुई से कई गुना ज्यादा मोटा है, कभी जा ही नहीं सकता। पता चल गया ना कि क्यों होता है। तो दिस इज कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर फोर या फिर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वाज द फोर्थ टॉपिक। एंड नाउ हियर द फिफ्थ टॉपिक इज दैट द भाई द डिप्रेशन इज मच मोर व्हेन ए मैन स्टैंड्स ऑन द कॉशन देन व्हेन ही लाइज डाउन ऑन इट। ये कॉशन का हिंदी हुआ तकिया, तकिया नहीं देखे वो जो डेली रोज सोने के समय में इस्तेमाल भी करते हैं फिर भी नहीं विश्वास कर रहा हूं, या तो इस्तेमाल करके विश्वास कर लेता है बट एनी हाउ, तो ये जो कौशन है उसको ऊपर नीचे रखिए और जब आप उसको ऊपर एक बार से ऐसे खड़ा हो जाइएगा तो जो तकिया है स्टूडेंट कौशन है इंग्लिश में वो धस जाएगा, बहुत ज्यादा धस जाएगा,
अब उसी तकिए को क्या करो तुम, आराम से लाओ, बेड पर रख दो और उसके ऊपर लेट जाओ तो थोड़ा सा कम धसेगा। क्यों? क्योंकि जब तुम खड़ा था तो पूरा बॉडी का वेट जो था उस तकिए के ऊपर वो बहुत ही कम सरफेस के ऊपर किया हुआ था, तो सरफेस कम है तो प्रेशर इज मोर, एरिया इज लेस देन प्रेशर इज मोर। लेकिन जब आपने लेट गया उसके ऊपर तो पूरा जो आपका जो बैक आ गया, शोल्डर आ गया, वो सारा तकिए पर आ गया, इसीलिए एरिया जो मोर है इसके समय तो प्रेशर हमारा लेस होगा। तो समझ गया ना, सारा के केस लेस हाई का ही है, दो ही चीज याद रखना है, इफ एरिया इज मोर देन प्रेशर इज लेस, इफ एरिया इज लेस देन प्रेशर इज मोर। यही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके बाकी ये सारे को सोल्यूशन कर रहा हूं। Have you got it? तो कुछ एक्सप्लेनेशन हो गए, तो आई होप कि डिप्रेशन इज मच, डिप्रेशन का मतलब होता है कि धस गया, तो क्यों धस गया उसके ऊपर खड़ा हो गया, तो कम एरिया के ऊपर खड़ा हुआ तो बहुत ज्यादा धसेगा ना, क्योंकि प्रेशर ज्यादा लग रहा। लेकिन जब मैं इस प्रकार से लेट गया तो ज्यादा एरिया कवर कर रहा तो एरिया मोर है तो प्रेशर लेस होगा, इसलिए डिप्रेशन भी होगा जो कम हुआ किसके मुकाबले, लाइस डाउन, लाइस डाउन का मतलब होता है लेट जाने पर उसके ऊपर लेट ही जाना। एनी हाउ, तो दिस फिफ्थ टॉपिक या फिर द फिफ्थ क्वेश्चन इज कम्प्लीटेड एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक और द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस हियर इज दैट द ट्रैक्टर्स हैव ब्रॉड टायर्स व्हाई। एक बात बताओ जी, कभी कभी सोचने का प्रयास किया जो सुपरनोवा कार होती है या फिर जो भी कहिए रोल्स ट्रैक वगैरह, उसका जो चक्का होता है, टायर्स होते हैं वो पतला होता है या फिर सुपर बाइक्स वगैरह ऐसा, लेकिन जो हमारा ट्रैक्टर है कितना धीरे भागता है, उसका चक्का भी एकदम कितना मोटा मोटा होता है, हद तो तब हो जाता है कि उसका पिछला चक्का वो और ज्यादा मोटा हो जाता है। क्यों? अरे ऐसा इसलिए क्योंकि जो ट्रैक्टर है स्टूडेंट वो मिट्टी में चलता है, खेतों में चलता है जहां पे कादा वगैरह सब है, तो एरिया चक्का अगर बड़ा है, टायर से बड़े हैं तो एरिया मोर है, इस केस में जो हमारा सरफेस का कांटेक्ट मिलेगा उस टायर्स का वो ज्यादा मिलेगा, तो एरिया ज्यादा मिल रहा है तो प्रेशर कम हो जाएगा ना स्टूडेंट, तो प्रेशर कम हो जाएगा तो टायर जो है वो धसेगा नहीं, सिंक नहीं करेगा, डूबेगा नहीं, और आराम से ट्रैक्टर एकदम चलते जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। लेकिन उसी केस उसी फील्ड में क्या करो, तुम बाइक को दौड़ाने लगो, साइकिल को दौड़ाने लगो, कभी चलेगा वो धस जाएगा। क्यों? क्योंकि जब साइकिल का टायर होता है पतला होता है तो एरिया कम है तो प्रेशर मोर होगा, जब प्रेशर मोर होगा तो साइकिल का चक्का जो है वो कहा हो जाए, वो डूब हो जाए, यानी कि धस जाएगा, सिंक कर जाएगा। समझ गया ना कि ट्रैक्टर के टायर जो है वो आखिर का क्यों चौड़ा होता है। चलिए अच्छे सिक्स टॉपिक और दिक्स क्वेश्चन इज कम्प्लीटेड एंड नाउ The next topic or the next question is the seventh topic. Let us talk about this topic. It is easier to walk on soft sand if we have black shoes rather than shoes with a small heels or pencil heels. यहाँ पे बताया गया कि आप थोड़ा सा नरम मुलायम मिट्टी पर चलिए या फिर यूं कहूँ तो बालू पर, तो बालू पर या फिर नरम मुलायम मिट्टी पर चलने में आसान होगा। कब? जब आप फ्लैट शूज को पहना हुआ, चौड़ा जूता पहना हुआ है। क्यों? क्योंकि जब चौड़ा जूता पहना हुआ हो तो एरिया मोर है, तो इसके समय क्योंकि चौड़ा जूता है तो एरिया ज्यादा है ना, तो एरिया मोर है, तो उस जो पृथ्वी पर प्रेशर लगाएगा सरफेस पर वो लेस। क्यों? क्योंकि एरिया इज मोर देन प्रेशर इज लेस। बट हाई हिल्स, हाई हिल्स या फिर पेंसिल हिल्स के केस में क्या होता है, जो भी गर्ल्स वगैरह वुमेन्स ये सब पहनती है, क्योंकि हम बॉयज लोगों का तो इस शान के खिलाफ यहाँ पहनना है, तो क्या होता है कि उसका जो हिल्स होता है वो बहुत ज्यादा नुकीला होता है, और कहीं भी जिंदगी में हिल्स पहनकर कैसे चलेगा बालू में जी, वो तो उसका जो हिल्स है वो उसी में धस जाएगा बालू में, है ना, चलने की जगह पता चला कि सूज ही पैर से निकाल करके बाहर आ गया। एनी हो, मूर्ख लोगों का काम ही रहता है कुछ ऐसा ही। एनी हो, मन करता हूँ आप लोग पहनना अच्छा लगता तो पहनिए, हमें क्या है, बट यहाँ पर टॉपिक है तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो वो क्या होता है कि जो हिल्स होते हैं वो हिल्स में कम कांटेक्ट एरिया मिलता है हमारे लैंड से, हमारे सरफेस से, तो बालू में कम पतला सा रहेगा तो कम है एरिया, कम है उस हिल्स का, तो एरिया कम है तो प्रेशर लेयर मोर होगा, तो जब प्रेशर बढ़ गया तो वो जो हिल्स वाला सैंडल है वो बालू में धस ही जाएगी ना, तो जब धस ही जाएगी तो कैसे चल पाएगा, नहीं चल पाओगे आसानी से, तो इसलिए हमेशा जो रेगिस्तान वगैरह से मैं हमारे आर्मी सोल्जर वगैरह से भी होते हैं एकदम पूरा चौड़ा जूता बैट शूज पहन के जाएगा ताकि एकदम आराम से जा सके। Have you got it? तो ये कंप्लीट हो गया, तो आपका जो प्रेशर था वो बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया,
बस आज के लिए मैं आपको यहीं तक छोड़ता हूं, फिर से मिलेंगे कोई नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए डोंट वरी, बी केयरफुल एंड टेक केयर। और बाकी अगर कोई फेस्टिवल्स है, जैसे आज डेट आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, बट आई गेस आज जो तारीख, बट उससे पहले इतनी सारी बातों को नोट करेगा, मैं तो बहुत कुछ डिस्कस करते ही रहता हूँ, तो मेरी बातों को कितना दिल पर लेकर बैठे हो, दिल नरम मुलायम रहेगा, निकल के बाहर आ जाएगा हार्ट अटैक का। टुडेस डेट इज 2 अक्टूबर 2022 एंड दिस इज द गांधी जयंती, एंड जो आपका दुर्गा पूजा फेस्टिवल है वो भी है ही, आज से ही ओपन हो गया। तो मेरी मेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द गांधी जयंती, लेकिन बोल रहे हैं किसको, कहीं तो सुन रहे होंगे इको न में। तो बस बस गांधी जी के लिए दुआ कर लेना है, दो लंच जस्ट लाइक बस ऐसे ही कि हाँ चलिए ठीक है नहीं हो। तो बहुत अच्छी बात है, योगदान देना चाहिए हमारे, महात्मा गांधी के बारे में बोल रहा हूं मैं, बहुत सारे अच्छे काम किया गया है और कुछ कुछ कमियां भी रहे हैं इन ये हमारे महात्मा गांधी के अंदर में, बट मैं यहाँ पे पॉलिटिक्स वाली बातें नहीं करने वाला, बट एनी है वे एक इंस्पिरेशनल लीडर हुए हमारे देश के, तो वी मस्ट रिस्पेक्ट हिम। बस घूमिए, मुस्कुराते रहिए, बाकी एंजॉय योर डे।